बहुत अच्छी खबर है, इसलिए सबसे पहले बिना कुछ बोले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आईआईटी रुड़की से ये खबर आ रही है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं मिस्टर जैन। जैन साहब ने बनाया है एक सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बहुत खास है, COVID-19 के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा और जानकारी देगा 5 सेकंड में। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने प्रोफेसर रहिएगा। साहब का हाँ, कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की के, उन्होंने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, वो क्या करेगा, वो करेगा मरीज में निमोनिया के लक्षणों का की जांच, और निमोनिया के लक्षणों के साथ साथ COVID-19 के जो मरीज हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देगा। ये बताएगा कंपेरेटिव स्टडी के साथ कि ये किसी जीवाणु की वजह से हुआ है, ये किसी विषाणु की वजह से हुआ है, और संक्रमण की गंभीरता क्या है। मतलब आपके फेफड़े में चेस्ट का एक्सरे करने के बाद स्कैन को 60,000 अलग अलग स्कैन्स के साथ कंपेयर करके इन्होंने देखा कि ये किस तरह के इन्फेक्शन में, किस तरह आपके फेफड़े में वायरस या बैक्टीरिया पनपता है और कितना प्रभावित करता है आपके फेफड़ों को। प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की के और ये प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। विकसित करना सॉफ्टवेयर का उसका मकसद था कि ये संदिग्ध मरीज जो हैं उनके एक्सरे का स्कैन करेंगे और 5 सेकंड में बता देंगे कि मरीज कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, या उसमें किसी तरह की संभावना है कि नहीं। सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने के लिए इन्होंने दिया हुआ है आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान मतलब आईसीएमआर को उस तरफ भेज दिया है। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर को अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते, ये वो चेक करने के बाद बताएंगे। बहरहाल 40 दिनों का समय लगा इन्हें और इन 40 दिनों में जो इन्होंने मेहनत की, वो इन्होंने बताया कि जांच का जो खर्च है इसको कम करने के लिए, जांच की प्रोसेस को सरल बनाने के लिए इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, और सॉफ्टवेयर को डेवलप ब्लड टेस्टिंग के आधार पर ना करके एक्सरे टेस्टिंग पे के आधार पर किया। अभी तक वैसे तो इनके दावे को किसी चिकित्सा संस्थान ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन आईसीएमआर को गया हुआ है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे और इन्हें अप्रूवल देंगे या न देंगे ये देखते हैं। अब जैन साहब ने क्या कहा, जैन साहब ने बताया कि इन्होंने COVID-19 निमोनिया और तपेदिक यानी टीबी के जो मरीज हैं उनके एक्सरे की करीब 60,000 एक्सरे का विश्लेषण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित डेटाबेस के अनुसार इन तीनों बीमारियों में छाती में यानी आपके फेफड़े में जो जमाव होता है यानी जो कंजेशन की फीलिंग आती है उसके बीच में अलग अलग तरह के अंतर होते हैं, उसका इन्होंने पता किया कौन कौन सी बीमारियों में, स्पेशली निमोनिया में और टीबी में। निमोनिया और टीबी में जो जो जैसे जैसे लक्षण आते हैं उस तरह के लक्षणों के 60,000 से ज्यादा एक्सरे को इन्होंने स्टडी किया, और एनआईएच का जो क्लिनिकल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका की, उसकी इन्होंने क्लिनिकल स्टडी जो एनआईएच क्लिनिकल है उसकी स्टडी सेंटर की स्टडी किया, और उनमें उपलब्ध जितने भी छाती के एक्सरे थे, जितने चेस्ट के एक्सरे थे, वो सभी इन्होंने डेटाबेस को स्टडी किया और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर विकसित किया। इस सॉफ्टवेयर के विकसित करने के बाद उन्होंने देखा कि 60,000 अलग अलग एक्सरेज में निमोनिया में किस किस तरह के लक्षण फेफड़े में आते हैं, और किस किस तरह के फेफड़े में निमोनिया में कैसे लक्षण आते हैं और टीबी में कैसे लक्षण आते हैं, और इसका इस्तेमाल वो मरीज की जो एक्सरे है उस रिपोर्ट के आधार पर करेंगे कि मरीज का आपने स्कैन लिया, एक्सरे स्कैन लिया और डिजिटल एक्सरे तुरंत मिल जाता है आजकल, वो पुरानी धोने फिल्मों को धोने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक्सरे का डिजिटल पेट का चेस्ट का एक्सरे डिजिटल लिया और उसे तुरंत अपने सॉफ्टवेयर के साथ मैच किया, विद इन 5 सेकंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि मरीज में किसी निमोनिया के लक्षण है या नहीं है और किस वजह से जनरली ये हुआ है, तो मैच 5 सेकंड लगेंगे और सटीक रिजल्ट है इसका, ऐसा उन्होंने दावा किया है। बहरहाल अभी इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसकी जांच होनी बाकी है और फिर आगे क्या होता है ये पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था,
और जिन साहब ने ये किया है, जिन्होंने जिन जो प्रोफेसर हैं आईआईटी के, उनकी फोटो सामने दी हुई है, आप जरूर देखिएगा। और कितनी अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर और फिर आईआईटी खड़गपुर, अलग अलग, और आईआईटी की रुड़की, अलग अलग आईआईटी से कुछ ना कुछ नया होते जा रहा है। और बड़ी अच्छी खबर है देश के लिए कि देश आगे बढ़ रहा है। कुछ और वीडियोस आ रहे हैं जिसमें अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि देश की क्या भागीदारी है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। पता करना चाहते हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।